हाँ मदन लाल जी, एक चीज़ बड़ी है कि मान्यवर श्री काशीराम साहब ने साइकिल से पूरे देश को जोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज लग्जरी गाड़ी है, मोबाइल है, डिजिटल युग है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। आपने हमारे मसीहा मान्यवर काशीराम जी का नाम लिया है, तो मैं काशीराम जी के ही शब्दों में कहना चाहूँगा कि काशीराम जी कहते थे कि जत पिता तत्पूत, जत नेता तत्प्रजा, पीपल गेट द पीपल एज द पीपल डिजर्व। काशीराम जी कहते थे कि लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जैसे लोगों को, जैसे नेताओं की आवश्यकता होती है जी। हमारा समाज जो है चाटुकारिता, जो मैंने अभी पहले बताया कि हमारा समाज जो है चाटुकारिता में ज़्यादा विश्वास करता है और उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए वो चाटुकारिता में ज़्यादा जाता है, और असली मेहनत ना करने के बजाय वो चाटुकारिता की तरफ भाग करके अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करना चाहता है बिना मेहनत किए, बिना कुछ खर्च किए और बिना कोई समय गंवाए, उसको बहुत जल्दी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक संगठन जो है, सामाजिक कार्य करने के लिए काशीराम जी ने जो कार्य किया था इस देश के अंदर, काशीराम जी ने वो कार्य किया था कि व्यवस्था परिवर्तन का सामाजिक आंदोलन चलाया काशीराम जी ने, और उस व्यवस्था परिवर्तन से काशीराम जी ने दो कार्य किए। एक तो इस समाज के व्यवस्था को बदलना शुरू किया, और दूसरा उन्होंने इस देश की जो एक व्यवस्था चल रही थी, जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसको चेंज किया। काशीराम जी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे थे, उधर जिनसे हमारी लड़ाई थी, काशीराम जी जिनसे लड़ाई कर रहे थे वो भी जागरूक हो चुके थे काशीराम जी के मूवमेंट को देख करके। उन्होंने भी काशीराम जी की तर्ज पर ही अपना कार्य शुरू कर दिया जी। दुख की बात यह है कि काशीराम जी की नकल करते करते काशीराम जी के कारवां को और काशीराम जी की कार्यविधि को उन्होंने अपने आप अंदर धारण किया और काशीराम जी के मिशन मूवमेंट को पीछे कर दिया। मदन लाल जी, आज हर एक कोई काशीराम साहब को फॉलो करता है, लेकिन काशीराम बनना भी चाहता है, उनके विचारधाराओं को फॉलो नहीं करता है। देखिए, काशीराम जी बनना, अपने काशीराम जी बनता नहीं है कोई भी, काशीराम जी तो जन्मजात पैदा होते हैं जी। वो कहते हैं ना कि किसी को भी एक ठोकर लगती है और वो ठोकर जो है उसे कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है जी। काशीराम जी साइंस के स्टूडेंट थे, और साइंस के स्टूडेंट जब तक उन्होंने साइंस की एजुकेशन ली कॉलेज में और जहाँ पर वो काम कर रहे थे, रिसर्च असिस्टेंट थे पूना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जी, तब तक उन्हें सामाजिक आंदोलन से, सामाजिक मूवमेंट से और सामाजिकता से कोई सरोकार नहीं था जी। एक जो बात उनके जीवन में घटित हुई थी दीना भाना जी की, उनके बाबा साहब की जयंती के लिए छुट्टी का जो आंदोलन उन्होंने चलाया और उसके लिए उन्होंने धरना दिया, जब काशीराम जी बाहर निकल रहे थे लंच में, जब बाहर निकले और वो धरने पे बैठे हुए थे, उनको देख करके काशीराम जी भी उनमें से एक थे जो बाकी सब उनकी हंसी उड़ा रहे थे, तो काशीराम जी ने भी हंसी उड़ाई थी, मगर उन्होंने काशीराम जी को कहा था कि साहब आप हमारी हंसी उड़ा रहे हो जबकि मुझे तो आपसे कॉपरेशन की उम्मीद थी। काशीराम जी जब काशीराम जी से ये बात कही गई कि मुझे तो आपसे कॉपरेशन की उम्मीद थी जी। तब काशीराम जी के माइंड में ये बात स्ट्राइक की कि मेरे से ही ये क्यों उपेक्षा करता है कि जी मैं इनका कोई सहयोग करूंगा या मेरे से इसको सहयोग की उपेक्षा क्यों है। काशीराम जी उस बात से सोचने के लिए मजबूर हुए कि तूने मेरे से ही क्यों ये बातें की जी। तब काशीराम जी को उन्होंने एक बुक दी बाबा साहब की, और उस बुक को पढ़ने के बाद में काशीराम जी रोते रहे, और रोने के बाद में उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के मूवमेंट को बढ़ाने का, करने का निश्चय लिया, और वो उसी दिन से उसकी लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई लड़ी और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा करके यहाँ तक लाए जो जैसा आपने देखा और इस देश में वो छोड़ करके गए जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।